हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉर्न प्लांट्स की केयर के बारे में। आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये कॉर्न फ्लावर्स कहलाता है। तो कई बार देखने में एक झलक जो डैंथस के जैसे फ्लावर होते हैं, कॉर्नेशन के वैसे लगता है, वैसे इसकी जो बनावट है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल पेटल्स आते हैं पर साइड में इसकी ग्रोथ होती है। ये ऊपर की तरफ जैसे देखते होंगे ना, सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्लावर, पर इसमें देखिए साइड से इस तरह ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एक क्राउन जैसा लगता है, जैसे कोई इसको ताज पहना दिया हो और नीचे एक जो है ऐसा कुंड सा बनाता है, ये एकदम से लगता है पॉट हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इस प्लांट का, इस फ्लावर का। और ऊपर देखिए छोटे छोटे से ये एक यहाँ पर डॉटेड रहते हैं एरिया वाइट कलर के, तो इस जो है फ्लावर को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। इस प्लांट को दोस्तों मैंने जो है ये 10 इंच के अपने सीमेंट पॉट पर लगा दिया है। तो ये मोगरा के प्लांट के साथ लगा हुआ था, विंटर स्पेस इसकी इतनी अच्छी ग्रो नहीं चल रही थी, तो मैंने इस पर इसको प्लेस कर दिया। तो इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि इस प्लांट को थोड़ा सा बड़े साइज़ के पॉट पे लगाइएगा, इतना बड़ा भी नहीं, नॉर्मल आप जो पॉट लगाते हैं शेलो उससे थोड़ा सा बड़े पॉट पे लगाइएगा। 8 से 10 इंच का आप जो है इसमें पॉट ले सकते हैं, उसमें क्या सफिशियंट इसको जो है एक एरिया मिल जाता है ग्रो करने का। और जितना बड़ा आप पॉट लेंगे फिर क्या होगा कि उतना अच्छे तरीके से ये ग्रो कर पाएगा, इसकी जो है रूट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे ग्रो करेंगी। तो जितनी रूट्स बढ़ेगी उतना प्लांट भी ऊपर आपका अच्छा निकल के आएगा। तो खासकर कि मैं इस प्लांट में आपसे बात कर रहा हूँ, बेसिकली देखा जाए तो ये जो फ्लावर है ये काफ़ी कलर्स में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास आप देख रहे हो कि ये एक ब्लू कलर है, और यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पिंक कलर का निकल के आ रहा है। तो मैंने इसकी सीडलिंग की थी, तो अभी ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से कलर है, हो सकता है कि आगे कोई और भी इसमें कलर निकल के आए, तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोनों ही देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं बात करूँ आपको लाइटिंग कंडीशन की, इसमें कैसी रखनी है, तो देखिए ये जो है ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको लाइटिंग बहुत ही अच्छी चाहिए। मॉर्निंग की सनलाइट में अगर ये रहता है, अगर सारा दिन भी रहता है तो और अच्छी बात है। कम टाइम के लिए अगर आप रख रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 घंटे तो इसको आप लाइट प्रोवाइड कराइए अच्छी जो है इसमें फ्लावरिंग पाने के लिए। कई बार क्या होता है लोग शेड में रख देते हैं, इस कारण से जो है फ्लावरिंग नहीं आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा आपके साथ ना हो। एक ये मैं कहूँगा कि हैवी फीडर है, क्योंकि इसमें एक जगह पे काफ़ी सारी जो है ब्रांचेस निकलती हैं, और जो है मल्टीपल ब्रांचेस में इसकी जो फ्लावरिंग बर्ड्स लगती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और जिसका बर्ड है, जिसको क्राउन बर्ड में मैं बोलूँगा, तो ये काफ़ी दोस्तों ना ओपन होने में काफ़ी टाइम लेता है, 4 से 5 दिन इसे लग जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फर्टिलाइज़र जो आप इसे प्रोवाइड कराएं तो अच्छा इसको फर्टिलाइज़र दें स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जैसे आप कंपोस्ट बनाते हैं ना, जैसे आपको अगर इसे लगाना है तो आप इसको सॉइल मिक्सचर में 50% जो है गार्डन सॉइल यूज़ कीजिएगा, 30% कंपोस्ट लगाइए और उसमें 20% सैंड ऐड कीजिए, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ये हो गई आपकी सॉइल मिक्सचर। बट जो फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ, आपको इसमें लिक्विडली बना के बहुत ही अच्छा देना है। तो ऑर्गेनिक अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने आपको जीवामृत बनाना बताया था घर पर कैसे बनाते हैं, वो आप डालिए दोस्तों, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। तो वो आपको इतना विजिबल रिजल्ट देगा कि हो सकता है कि आप अगर केमिकल सेक्शन में हैं तो उससे आप जो है बिल्कुल अपोजिट करने लगे गार्डनिंग, एकदम ऑर्गेनिक की तरफ में आप मूव हो जाएं। तो वो एक आप बना सकते हैं घर पे, या जो है मस्टर्ड केक का भी फर्टिलाइज़र मैंने बताया था लिक्विडली कैसे तैयार करना होता है। तो कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह आप दे सकते हैं, तो उसमें होता क्या है कि प्लांट्स ना उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से अपने अंदर उसको कैप्चर करता है, उस कारण से इनको फूड जल्दी मिलता है और अच्छे टाइम में जो इनकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी टाइम पे आ जाती है। तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे तो अपन इसको स्लो रिलीजिंग देते हैं पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का ये इंपॉर्टेंस होता है। और अगर आप जो है अभी केमिकल्स भी डालते हो कई बार, जैसे कि फ्रूटिंग प्लांट्स पे तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, पर कई बार मुझे फ्लावर्स पे जल्दी टाइम पे रिज़ल्ट देखने के लिए मुझे केमिकल्स का अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं NPK और DAP भी इसमें कई बार अप्लाई करता हूँ। तो अभी तो ये फुली मैं ऑर्गेनिकली इसे ग्रो किया था तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो अगर आप NPK यूज़ करते हैं तो हर 15 दिन में एक बार, और लिक्विड भी आप 15 दिन में एक बार देते रहिए, तो आपके प्लांट में जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना डेंस ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने मैरीगोल्ड भी ऐसे डाल दिया था, तो ये कितने ज़्यादा हैवी फीडिंग पे है, तो प्लांट्स को अभी इस समय ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा इसकी जो सॉइल है उसमें ज़्यादा नरिश रहेगा, ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी रहेगी, तो ग्रोथ भी ऑब्वियसली बात है अच्छी आएगी।
तो इसका जब फ्लावर्स ना दोस्तों स्पेंट हो जाता है, तो अभी आप इसको सीड्स के लिए ना छोड़ें, आप इसको कट करते जाएं टाइम टू टाइम। कट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से नई शूट्स निकल के आएंगी, तो फिर जो है मल्टीपल ब्रांचेस से फ्लावरिंग होगी, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। एक छोटी सी टिप्स रहती हैं और ट्रिक्स रहती हैं जो गार्डनिंग को एक अलग लेवल पे ले जाती हैं। आप जैसे नॉर्मल वे पे गार्डनिंग करते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट अगर उसे करके देखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो एक आपका वो नया एक्सपीरियंस बन जाता है। तो आप भी, मैं आपको बता रहा हूँ जैसा मैं करता हूँ, तो आप इसकी थोड़ा टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहा करें। जैसे अभी ये स्पेंट फ्लावर है तो मैं इसको यहाँ से कट आउट कर दूंगा। आप चाहो तो किसी भी गार्डनिंग टूल से कर सकते हो। ऐसी ही छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और वाटरिंग देखिए, आपको मैं बता दूं तो वाटरिंग आपको समय समय पर करते रहना है। प्लांट्स में आपको चेक करना है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि उसकी कितनी नीड है इस समय वाटरिंग की। तो देखिए, जब ये काफ़ी बड़ा मैच्योर प्लांट हो जाता है या फिर किसी प्लांट्स के साथ पे लगा हुआ होता है, तो आपको उस समय ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है प्लांट्स का। तो आपको समय समय पर इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। बट अगर आप जैसे ऑफिस में वर्क करते हैं या कहीं पे आप इतना आपका टाइम नहीं रहता है गार्डनिंग के लिए, तो आप फिर किसी को बोल सकते हैं या फिर ड्रिप एरीगेशन का लगा सकते हैं सिस्टम, या फिर ऐसी सॉइल मिक्सचर रेडी करनी है जिसमें ज़्यादा देर तक जो है मॉइस्चर होल्ड रहे। तो आप अपने जो मॉइस्चर होल्ड करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि एक मल्चिंग कर सकते हैं एक लेयर अपने प्लांट्स के ऊपर, या फिर आप कोकोपीट का यूज़ कीजिए तो उसमें काफ़ी मॉइस्चर होल्ड रहेगी। वैसे तो मैंने आपको जो है सॉइल मिक्सचर बताया, उसमें सैंड ऐड करना बताया था, तो सैंड भी काफ़ी हद तक जो है मॉइस्चर को होल्ड करती है। ड्रेनेज तो अच्छा रखती है पर मॉइस्चर भी काफ़ी होल्ड रहेगी, तब उसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। वाटरिंग के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जो है अंडर वाटरिंग भी ना हो प्लांट को, क्योंकि जो है फुल डे सनलाइट पे पड़े रहते हैं तो फिर क्या होता है, कई बार बर्निंग की प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो खास करके जो विंटर प्लांट्स हैं, थोड़ा भी तेज़ अगर धूप हो गई तो फिर वो बर्न होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा आपको इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अंडर वाटरिंग भी नहीं करें और ओवर वाटरिंग भी नहीं करें। ओवर वाटरिंग से रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है विंटर प्लांट्स पे, तो आप थोड़ा सा उसका करते रहें ध्यान। और आप जो है ना, कई बार जैसे अपना प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप उसमें थोड़ा फंगीसाइड भी दे दिया करिए। तो फंगीसाइड से क्या होता है कि जो भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो आप चाहो तो सॉइल मिक्सचर में आप नीम खली भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको ये बोलूँगा सेफ साइड के लिए आप थोड़ा फंगीसाइड का पाउडर भी अपने प्लांट्स में स्प्रे भी कर दिया करिए, लीव में और रूट्स में भी दे दिया करिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों पेस्ट वगैरह की, तो इसमें जनरली पेस्ट का कोई भी अटैक देखने के लिए नहीं मिलता। लास्ट ईयर भी मैंने ग्रो किया था तो इसमें मेरे को कुछ खास पेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आपका कोई प्लांट बगल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है इस प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाए, बट जनरली ऐसा प्लांट्स में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, उसके जस्ट अपोजिट मैं कहूँ तो पॉलिनेटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं ये, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके गार्डन पर लगा है तो काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स आपके गार्डन पर आपके विज़िट ज़रूर करने आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है, और आपने अगर अपने गार्डन पे इसे लगाया है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी अपनी कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।